कुछ लोग उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने उनके नाम अक्यूज्ड को लीक कर दिए हैं और तभी उनको धमकियां मिल रही हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हकीम। ब्रजभूषण चरण सिंह वाले मामले पर अब महिला आयोग ने बड़ा खेल कर दिया। दरअसल महिला आयोग इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफी चिंतित नजर आ रही है और उन्होंने कहा कि जब इस तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था तो उस पर पुलिस ने एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों की, इसका जवाब चाहिए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अपनी बातों को रखा है वो आप जरा एक बार जरूर सुन। आज 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने विमेन रेसलर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। पॉक्सो का केस बनता है फिर भी एफआईआर नहीं दर्ज करी गई, हद हो गई है। लड़कियों को और उनके परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनकी हमें ईमेल पे ईमेल आ रही है कि किस तरीके से कुछ लोग उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने उनके नाम अक्यूज्ड को लीक कर दिए हैं और तभी उनको धमकियां मिल रही हैं। जिस देश में, देश की राजधानी में हर दिन 6 बलात्कार होते हैं, उस देश की राजधानी की पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। तो देश का कानून बहुत स्ट्रांग है। मैं दिल्ली पुलिस को याद दिलाना चाहती हूँ कि देश का कानून ये कहता है, सेक्शन 166(1)(c) ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला लड़की की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। हमने दिल्ली पुलिस के विमेन सेफ्टी कमिश्नर को आज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दिए हैं कि वो ये आइडेंटिफाई करें कि किन लोगों की वजह से, किन ऑफिसर्स की वजह से ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उनके ऊपर अगले 48 घंटे में एफआईआर दर्ज करें। दिल्ली पुलिस चाहे कितना भी ब्रजभूषण जैसे गुंडे को बचा ले, मैं ये उनको बताना चाहती हूँ कि ये गुंडा के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी और ये अरेस्ट भी होगा। तो आपने देखा स्वाति मालीवाल जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अपने बयान को रख रही थी और जिस गंभीरता से इस पूरे बयान को वो बता रही थी, उसे ये साफ माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए पूरा मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है और इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में और भी कई बड़े नेताओं के समर्थन मिलने की उम्मीद है। इससे पहले कि आगे बढ़े आपको बता दूँ, सत्यपाल मलिक ने भी इस पूरे मामले में अपना समर्थन दिया। आप देखते हैं कि बीजेपी क्या वाकई इस पर कोई बड़ा फैसला लेती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।